अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील जब्बार एंड यू आर वाचिंग एनजे डिजिटल टीवी। आज के हमारा एक प्रोग्राम जो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है अगेन दोबारा, क्योंकि हमारे पास जो है वो इस वक्त एक बहुत ही बेहतरीन जो हमारे गेस्ट हैं वो मौजूद हैं और इनका इंट्रोडक्शन भी मैं आपसे करवाऊंगा। लेकिन प्रोग्राम का मैं आगाज़ करूंगा एक अच्छी बात से, और वो अच्छी बात ये है कि ज़िंदगी वैसे तो एक सफ़र है, और इस दुनिया में जब हम आते हैं तो हम अकेले आते हैं, और जब हम जाते हैं तो हम अकेले जाते हैं। लेकिन इस आने और जाने के दरमियान में जो सफ़र है वो हम अकेले नहीं गुजार सकते, उसको अकेले गुजारना मुश्किल है। यहाँ पर हमें रिश्ते बनाने पड़ते हैं, यहाँ पर हमें साथ चाहिए होता है, लोगों के साथ से ये सफ़र जो है खुशगवार बनता है, और फिर वो साथ वो रिश्ते जो आप इस सफ़र में बनाते हैं वो इस ज़िंदगी के ख़त्म होने के बाद भी आपके काम आते हैं। वही लोग आपको याद रखते हैं, वही आपके लिए दुआ करते हैं, और वही आपकी लेगेसी को आगे भी बढ़ाते हैं। तो यह है आज की अच्छी बात कि अपने रिश्तों का बहुत ज़्यादा ख्याल कीजिए, अपने दोस्तों का, साथियों का, जो सफ़र में आपके साथ हैं आप भी उनको हेल्प आउट कीजिए कि उनके सफ़र में आप आसानी पैदा करें, उनके लिए आप आसानियों का बायस बने, ना कि उनके लिए मुश्किल हल करें। क्योंकि याद रखिए, हम अकेले आए थे और अकेले ही जाएंगे। अब मैं इंट्रोड्यूस करूँगा अपने उस मेहमान को जिसको आज हमने खास करके दावत दी है एनजे डिजिटल टीवी के इस प्लेटफॉर्म पर, और उनसे कुछ बातें होंगी। उनका इंट्रोडक्शन कुछ ऐसा है कि शी इज एन इंटरनेशनल फैशन डिजाइनर, और उनका एक ब्रांड है बहुत ही ज़बरदस्त जिसको आप लोग पहनते भी हैं, पसंद भी करते हैं, और एक दूसरे को गिफ्ट देना भी पसंद करते हैं कि वो ब्रांड दी जाए, लोग बहुत पसंद करते हैं उसको। इसके अलावा एक और ख़ास बात है आज उनके हमारे इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने की, और वो ये है कि थोड़ा सा आपको बताया जाएगा उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में। बहुत ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है, आने वाला है, मैं नहीं बताऊंगा, जब वो हमारे ज्वाइन कर लेंगी तो फिर हम उस बारे में आपको बात करेंगे। तो आप बने रहिए, और वो एक सरप्राइज जो एक प्रोजेक्ट आने वाला है उनका, जिसमें और नाम भी शामिल हैं, इनके अलावा और नाम भी शामिल हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे, तस्करा करेंगे। मैं वेलकम करता हूँ, आप भी मेरे साथ वेलकम कीजिए मिस अमरीन अजहर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा, आपका इंट्रोडक्शन तो मैंने बताया कि जाहिर सी बात है आपका एक ब्रांड है, अमरीन अजहर एक नाम है जो कि काफ़ी ममालिक में मौजूद है, उसकी प्रेजेंस है, लोग पहनते हैं, पसंद करते हैं। उस पर हम आने से पहले आपके बारे में थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे कि आपकी शुरुआत कहाँ से हुई, इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की, फिर आला तालीम हासिल करने आप कहाँ गई? मेरी शुरुआत दिल्ली से हुई थी। आई वॉज इन दुबई, देन आई वॉज इन कुवैत, आई वॉज इन यूएस, आई वॉज इन, बेसिकली मैं इंटरनेशनली ऑल राउंडेड रही हूँ। पाकिस्तान में कम रही हूँ, पैदाइश पाकिस्तान की मेरी, कराची की है, बट रही पाकिस्तान में कम हूँ, क्योंकि पेरेंट्स जो थे कभी रहे नहीं पाकिस्तान में, वो हमेशा पहले सऊदी अरब में रहते चले गए, उसके बाद आई मूव टू कुवैत एंड देन सो ऑन सो ऑन। तो करियर वाइज लाइक एज ए फैशन डिजाइनर इज बीन लाइक अराउंड 15 ईयर्स, क्योंकि इंटरनेशनली मैंने ज़्यादा काम किया है। हर स्टोर इन कुवैत में स्टोर किया, फिर दुबई में काफ़ी कलेक्शन अपनी डिस्प्ले की, काफ़ी इंटरनेशनल फैशन शोज किए हैं अराउंड द वर्ल्ड, यूएस में, यूके में, यूरोप में, कनाडा में। तो काफ़ी टाइम हो गया बस अलग। तो आपने किस एज से काम स्टार्ट कर दिया था प्रोफेशनली, आप इस फील्ड में आ गई? हाँ, डिजाइनिंग में तो ऑफ कोर्स काफ़ी टाइम हो गया, बिल्कुल काफ़ी टाइम हो गया। 15 ईयर्स, 15 ईयर्स मैंने एजुकेशन भी ली साथ में, आई वेंट टू फैशन स्कूल इन टोरंटो, तो उसके भी इंक्लूडिंग है। लेकिन असल जो होता है, जो मैंने फैशन पहले मैंने स्टार्ट तो कर दिया हुआ था, इनको एक स्टोर भी कर लिया था, वो डिज़ाइनिंग क्लोज और माई ओन जो डिस्टिंक्ट पसंद जो आ रही चीज़ें। लेकिन आई प्रेफर काउंटिंग दोज ईयर्स जो मैंने बाद में किए हैं, लाइक आफ्टर माई एजुकेशन, लाइक तो वो जो 8-9 ईयर्स थे जो मैं अब उसके बाद किए हैं आफ्टर बींग नोइंग व्हाट डिज़ाइनिंग इज, तो वो उसमें ज़्यादा मज़ा आया, बिकॉज के देन यू नो के व्हाट यू डूइंग, तो उस
से तो फिर उसको अगर मैं देखूँ तो अराउंड लाइक 8-9 years, बट बिफोर दैट आई वाज प्लेइंग विद माय ओन आइडियाज यू नो सो या राइट. अच्छा तो शुरू में कुछ ऐसा तो हुआ होगा ना, क्योंकि आप जब भी कोई क्रिएटिव काम खास करके शुरू में करने के लिए जाते हैं तो इतनी ज्यादा इंकरेजमेंट नहीं मिलती है, लोग इंकरेज नहीं करते हैं, बल्कि बोलते हैं अगर आपने कुछ क्रिएटिव या हटके या कुछ नया बनाया तो ये आता है रिएक्शन कि ये क्या बनाया. ऐसा भी शुरू में हुआ आपके साथ या शुरू से ही आपको डिजाइन लोगों ने पसंद किया? नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि क्या बनाया है, हमेशा पसंद किया है. ये हुआ है जब मैंने ब्राइडल शोज अटेंड करने शुरू किए पाकिस्तानी स्टाइल के, क्योंकि पहले मैं काम कर रही थी इट वाज मोर मिडिल ईस्टर्न और मोर अमेरिकन. जो मैंने फैशन स्कूल में भी जो मैंने पीछे होते थे बैक स्टेज पे आपको इंटर्नशिप्स करनी है या जो भी क्रेडिट्स लेने, तो उसमें मैंने बैटी जॉनसन होती थी मतलब अच्छे अच्छे डिज़ाइनरों के साथ बैक स्टेज पर हेल्प एज अ हेल्पर लर्निंग के लिए काम किया है. तो वो लोग तो बहुत चिल और रिलैक्स होते हैं, डाउन टू अर्थ, मीन दे डोंट केयर, मीन आपकी बहुत हेल्प करते हैं. थोड़ी हमारी साइड पे ये होता है कि जब ब्राइडल स्टार्ट करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा आपको वॉच कर रहे होते हैं कि अच्छा अभी नई डिज़ाइनर आई है तो क्या लेकर आई है ब्राइडल, तो उसमें थोड़ा लर्निंग का टाइम लगता है. मतलब मुझे पता है कि स्टार्टिंग के शोज में जो मैंने किए, देन डीसी में हुए शो एंड वेगस में, सो आई यूज्ड टू थिंक आई विल डू नेक्स्ट बेटर देन द लास्ट वन, बिकॉज मुझे फिर आइडिया लग गया था कि व्हाट काइंड ऑफ डिस्प्ले यू नीड एज अ कैटवॉक पे ब्राइडल वेयर का, क्योंकि एज ए जो मैं इतना डिफरेंट ब्राइडल करती थी, एकदम पाकिस्तानी ब्राइडल करना या इंडियन ब्राइडल करना इज डिफरेंट देन मिडिल ईस्टर्न अमेरिकन ब्राइडल. हमारे तो कलर काम और हमारे यहाँ तो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एक्साइटमेंट होती है ना क्लोथ्स के साथ. हाँ. तो वो बाकायदा सजाया जाता है ना, मतलब दुल्हन को जैसे लगना चाहिए, यहाँ लगना चाहिए, आपके बहन को दुल्हन लगना चाहिए, खानदान वालों को दुल्हन लगना चाहिए, तो दे नीड लॉट ऑफ कलर्स और वैरायटी. बट थोड़ा बहुत चैलेंजिंग था, बट इट वाज आई लर्न फ्रॉम देयर, इट वाज नॉट बैड, इट वाज नॉट क्रिटिसाइज, बस मुझे अपने आप को अपने आप में लर्निंग होता था कि यार दिस टाइम ये किया, नेक्स्ट टाइम पे ऐसे कलर दिखने चाहिए, लाखों में होते हैं, तो क्या ये वाकई इसकी इतनी लागत होती है? इट्स अ लेमैन क्वेश्चन, लेकिन है होती है ऑफ कोर्स, हैंडवर्क होता है सारा, इस ऑल आपको पता है मशीन वर्क का तो ब्राइडल बनता नहीं है, इस ऑल हैंड वर्क. एंड देन अब तो फैशन वाइज देखिए ना, पहले हरारे उसमें शरारे टाइप के होते थे, अब जो अब तो कैंकिन के साथ काफ़ी लेयरिंग होती है और काफ़ी लॉन्ग टेल, बट पीछे भी इतना टेल है, दुपट्टा भी इतना लंबा है, तो ये देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क ऑफ कोर्स. एंड क्वालिटी पे अगर आप कोई कस्टमर्स होते हैं जिन्होंने वॉन्ट टू स्पेंड लाइक 10 लाख 15 लाख, उनको चाहिए कि भाई हमारा 3 में हो जाए 4 में हो जाए, तो देयर ऑप्शंस आप बता सकते हो, यू नो आप ये कम कर दें. क्वालिटी पे तो मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती, मैं कहती हूँ ऑप्शंस कम कर दें, मैं क्वालिटी वाला बंदा नहीं खराब कर दूँ. तो हाँ थोड़ा सा ये कि आप इतना हैवी ना करें, यू नो आप कहीं कहीं आपको भी कुछ कपड़े अच्छे होते हैं जो मुझे तो पसंद आते हैं, तो मैं कहती हूँ यार इनको मतलब कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा उनको भी कहते हैं, आपको खुशी हो रही होती है उनको देख के, यू नो फिर गिफ्ट में कहती चलो दे दो यार थोड़ा, मतलब कोई बात नहीं. देखो प्रॉफिट तो हर एक को ही बनाना होता है, आप काम करते हैं बनाना होता है, बिल्कुल ऑफ कोर्स इट्स अ हार्ड वर्क. लेकिन आपकी नजर में अमरीन फैशन क्या है? मतलब एक तो होता है ना कि एक चीज चल रही है, एक चीज ट्रेंड में है एंड यू आर डूइंग सिमिलर थिंग, या फिर जो चल रहा है वो फैशन है, या जो चल रहा है उससे हटके कुछ कर दो तो वो फैशन है. देखिए फैशन इस जो लोग फॉलो करते हैं एक चीज़ निकल आती है, और फैशनेबल होने जरूरी नहीं आप ट्रेंड फॉलो करें. फैशनेबल होने के लिए आपकी जो भी चीज़ आपको मिल सकती है घर में चीज़ें, उससे भी फैशनेबल बन सकते हैं. फैशन इन द सेंस कि आप कितने फैशनेबल हैं, इट्स नॉट कि आप एक ट्रेंड निकला है अगर किसी ने पहन लिया कि शॉर्ट शर्ट तो सारे पहने हुए फैशनेबल हो गए, ऐसे नहीं होता. ठीक है ठीक है, क्योंकि आई रिमेम्बर कि एक कुछ अरसे पहले यहाँ पाकिस्तान में एक फैशन आया था गॉगल्स का, जैसे ही ग्लासेस वगैरह लगाते थे तो ग्लासेस का जो ग्लास होता था वो येलो कलर का हो गया था, तो पहली बार में तो अजीब लगता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि ये कोई आजकल नई चीज आई है, ट्रेंड में है फैशन, ट्रेंड फॉलो करने लगते हैं लोग. अच्छा अभी ये क्या बात है कि फैशन वेस्टर्न वर्ल्ड से ही निकलता है हमेशा, ऐसा क्यों है? मतलब पेरिस से ही निकलेगा या टोरंटो से ही निकलेगा,
Why not Pakistan? पहले होता था, आपको रिकॉल कर रहा हूँ, ये पहले होता था कि फैशन हमेशा इंटरनेशनल, पेरिस फैशन वीक इज अ मेन मेजर, कुछ और जब कहते हैं. लेकिन अब तो आपने देखा नहीं है, जब पठान हमारे इमरान खान जब जो है प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने पठान चप्पल पहनी थी तो वो इंटरनेशनल चली गई, इट केम आउट फ्रॉम पाकिस्तान. तो वो अब पाकिस्तान की वो जो पेशावरी चप्पल कैटवॉक में लोगों ने पहनी पेरिस फैशन वीक में, इधर उधर, इट वॉज एलवी ने बनाई, आई थिंक एलवी लुई जॉन ने शायद उसको किया था. तो वो इस तरह से तो अब हमारी इंडस्ट्री भी आगे चली गई फैशन की और मीडिया की, सारे जो मूवीज की, तो दे आर गोइंग आउट देयर. आई मीन नोटिसेबल जो चीज होती है ना दुनिया में, सब लोग नोटिस करते हैं. ये मैं अब देख रहे बिकॉज जिसने वो नोटिस हो गई, नोटिस हो गई बिल्कुल. अच्छा एक और चीज़ बड़ी नोटिस हो रही है, आपने भी नोटिस किया होगा सोशल मीडिया के ऊपर कुछ फैशन वीक्स की या जो वॉक हो रही होती है उसकी पिक्चर्स आती हैं जहां पर लड़के जो है वो शेरवानी के ऊपर दुपट्टा ओढ़ रहे हैं आजकल, आप देखा है आपने? ना मैं देखा है, और बड़ी फनी तो उनको नेम दो, बड़े फनी लोग तेरे कहां से ढूंढ के निकाल के लाते हैं वो. आई एम सरप्राइज विद दैट, वो जस्ट आई थिंक वो कुछ लोग नया करना चाहते हैं तो थोड़ा से नोटिसेबल होने के लिए. इसके साथ ही अभी हम बात करेंगे आपके एक नए प्रोजेक्ट के बारे में जो मैंने इंट्रोडक्शन में भी हमारे व्यूअर्स को बताया था कि एक आपका अपकमिंग प्रोजेक्ट है जो सरप्राइज है तमाम लोगों के लिए, उसके बारे में थोड़ा सा बता दें, बहुत ज्यादा तो शायद हम रिवील नहीं कर सकते हैं लेकिन उस प्रोजेक्ट के बारे में जरूर बात करेंगे. तो kindly आप बताइए, मैं बोलना चाह रहा हूँ लेकिन मैं अपने अल्फाज रोक रहा हूँ, आप बताइए. या इट्स अ वीडियो, तो तौसीफ म्यूजिक वीडियो, आपका जो म्यूजिक वीडियो है उसकी ऑफर है और इंशाल्लाह हम डूइंग इट. लाइक आई सेड, ये वो वाला प्रपोजल नहीं जो आई सेड यस जो होता है, ये दूसरा वाला ही इसमें बोलता हूं. उन्होंने मुझे अप्रोच किया था एक लास्ट सॉन्ग के लिए भी जो रिलीज हुआ न्यू ईयर्स में, घर वासीफ अली खान का घर आ घर आ. सो उस टाइम पे वो मेरे ट्रैवलिंग कमिटमेंट बहुत ज्यादा होती है और देयर वर थिंग्स आई वाज नॉट श्योर मैं करूं अभी, पहले इतने काम और एवरीथिंग, फिर आई गेस मेंट टू बी वाली बात है और इट वाज सपोज टू हैपन. मुझे ये हुआ है पहले मेरे काफी एक्टिंग के उससे और काफी छोटा था कि लोग कहते थे कर लो, काफी मेरे जान पहचान भी है, कुछ दोस्त भी कहते थे कि व्हाई नॉट यू शुड ट्राई इट, कर सकते हो तुम्हारे दिमाग में है एक्टिंग वाले में. कहती थी नहीं ये बहुत मुश्किल काम है बिकॉज़ वो सेट पे मैं जाती हूँ देखने, कभी किसी ड्रामा शूट हो रही है या किसी के साथ गई हूँ या मैं काम डिजाइनिंग कर तो काफी दफा कपड़े भी देती हूँ शो टीवी ड्रामों के लिए भी, तो मैं उस पर जाती हूँ तो मैं कहती थी तो मुश्किल काम है यार, लाइक दे सिटिंग देयर फॉर आवर्स और फिर वो कट हो रहा है, गर्मी हो रही है, फिर फैन की फैन बंद करना पड़ जाता है. तो मुझे इतना ज्यादा फैसिनेट नहीं किया ये, लेकिन एनी हाउ आप बात कर रहे थे सॉन्ग की, तो उसके लिए मैंने सोचा कि या द सॉन्ग इज नाइस, आई एम सूफी पर्सन मायसेल्फ, तो जब सॉन्ग सूफी है देन देन आई वाज लाइक व्हाई नॉट गिव अ शॉट, सो लेट्स सी हाउ इट गोस. सो इट्स एक्साइटेड एंड इट्स वेरी एंशियस कि आई एम गोना बी देयर. और तौसीफ अली खान बहुत जबरदस्त सिंगर हैं, मेरा इत्तेफाक भी हुआ उनको लाइव सुनने का, उनका रिकॉर्डेड जो सॉन्ग है वो तो काफ़ी अच्छा चल ही रहा है, तो बहुत ज़बरदस्त सिंगर है और वो सूफ़ी के अंदर बहुत एक्सपर्ट हैं, मतलब बड़ी महारत रखते हैं सूफ़ी स्टाइल में. तो भुल्ले शाह उनका शायद ये कलाम है जिसमें आप फीचर हो रही हैं, अब अपकमिंग की म्यूज़िक वीडियो है, कुछ रिलीज डेट का कुछ आइडिया अगर शेयर करना चाहें, ना करना चाहें तो वो भी आपकी मर्जी. नहीं कर सकती नहीं कर सकती बट हम भी चाह रहे हैं, लेकिन जल्द है, जल्द आ रहा है, जल्दी है, ऑफ कोर्स जल्दी है. हम भी चाह रहे हैं कि जो जिस तरह सॉन्ग बच्चा रिकॉर्ड हुआ है फाइनल आया है मेरे पास, इट्स अमेजिंग, इट्स लाइक इट्स समथिंग इट विल प्ले इन योर हेड, आप बंद भी कर देंगे ना यू विल कीप हियरिंग इट, उसके अंदर वो कैची वो एक है एलिमेंट. तो जैसे जब सुनती हूँ सॉन्ग, क्योंकि मुझे कहते हैं हमेशा वो कि ब्रेन ज़्यादा एक्टिंग में नहीं है, आपने कभी नहीं की है, सिर्फ स्कूल कॉलेज के अलावा तो मैंने कोई एक्टिंग नहीं की अभी, तो मुझे कहते हैं कि तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सुने ताकि आपको फीलिंग आए, यू कैन परफॉर्म मोर.
लेकिन वो ज्यादा सुनने नहीं पड़ती, वो मैं एक दफा सुनती हूँ मेरे दिमाग घूमता रहता है वो कहती हूँ उसको वो कैची सॉन्ग है, यू कैन यू हियर इट स्टेज इन योर हेड. सो सॉन्ग बहुत अच्छा है, तो हम चाह रहे थे टीम वर्क प्रॉपर, जो अब उनके जो मुझसे कोऑर्डिनेट होता रहता है तो मुझे बताते रहते हैं स्टेप बाय स्टेप के स्टोरी बोर्ड के लिए क्या हो रहा है, कौन डायरेक्ट कर रहा है. कुछ ऑप्शंस मैंने भी सजेस्ट किए थे जो मैं चाह रही थी कि कौन, यू नो ऑफ कोर्स सॉन्ग बन गया. उसके बाद मेजर जो डायरेक्शन और वीडियो का सारा वो है, तो आगे मार्केटिंग कैसे करनी है आपने, किस तरह उसको आगे लेके जाना है, तो वो मुझसे डिस्कस करते रहते हैं. तो मैंने उनसे ही कहा था कि ठीक है सॉन्ग तो मुझे पसंद आ गया है, फाइनल भी है आ गया है मेरे पास, डायरेक्शन पे काम कर चल रहा है अभी कि डायरेक्टर्स के साथ स्टोरी बोर्डिंग उस पर काम चल रहा है, कॉस्ट्यूम है, यू नो देयर आर थिंग्स, तो वी वांट इट परफेक्ट बिकॉज सॉन्ग इज सो गुड, तो कोई कमी ना हो बीच में, तो इट्स अ फुल पैकेज थिंग. तो बट है सो इट्स नॉट लेट गोना बी वेरी सून. राइट, तो यानी कि कुछ डिफरेंट टेस्ट जो है वो इस म्यूजिक वीडियो के थ्रू देखने को मिलेगा. एक तो ये है कि आप फॉर द फर्स्ट टाइम यू आर कमिंग ऑन स्क्रीन, और फिर एक सूफी सॉन्ग है जो काफी अरसे से मेरा ख्याल है कि जुनून ही वो लास्ट पाकिस्तानी ग्रुप था जो सूफी गाता था, अब उसके बाद जो है ये सॉन्ग आ रहा है जो सूफी सॉन्ग है. और फिर इसमें आप, मैं ये समझूं कि अब आप आ रही हैं एक्टिंग की तरफ भी मुकम्मल तौर पर, यू आर ओपन फॉर द एक्टिंग ऑफर्स. देखिए वही बात है ना, मैं कहती हूँ ना कि पहले मैं ऐसी थी कि मैं हर चीज को जो मैं होता है ओपिनियन वाइज भी, जैसे कभी मना कर देते बंदा कि मैंने करना ही नहीं है काम, ये तो मैं कर ही नहीं सकता या नहीं कर सकती है ना, बट वो चीज हो जाती है इवेंचुअली. तो अब मैं नहीं बोलना छोड़ दिया है कि मैं नहीं करूँगी, मे बी आई विल, डिपेंड के कहाँ किस तरह लेके चलते हैं, सब चीज़ें किस तरह लाइन अप हो रही हैं. कुछ ही अगर बहुत मुझे पसंद आई, जैसे सूफी सॉन्ग मुझे क्लिक हुआ कि मेरी पर्सनैलिटी वाइज और द वे आई एम, सो आई वॉन्ट टू डू दैट. मैंने मुझे सुन के पहले वाला सॉन्ग को सुन के घर आकर मुझे इट वॉज नॉट समथिंग जो मुझे क्लिक की हो, और आई मेड माई माइंड कि यार यू नो व्हाट आई शुड डू इट. सो कन्विंसिंग नहीं लगता मेरे लिए, ये सॉन्ग मेरे लिए कन्विंसिंग था, हो सकता है कोई ऐसी ये आपके टेस्ट के मुताबिक है. हाँ, जो मेरी पर्सनैलिटी के हिसाब से, और तो व्हाई नॉट, आई विल डू इट. अब तो मैं ना करना मना कर दिया ना, मैं नहीं मना नहीं करूंगी किसी चीज को, तो हो जाती है. तो अच्छी चीज हो. सॉरी, आप तो कह रहे हैं. हाँ, मैं कह रहा था ऐसा है sometimes, और sometimes हमें ऐसा लगता है कि शायद ये चीज नहीं हो सकती, भले वो कोई भी चीज हो हमारी जिंदगी से रिलेटेड, कि ये चीज नहीं हो सकती या ये तो नहीं हो पाएगा या हमारे, हमें ऐसा लग रहा होता है, बट देयर आर ऑलवेज वेज. बिल्कुल, जो होती है वो हो जाती है. मैं कहती हूँ कहना चाहिए आपको कि जो जो होना है अगर अच्छे से हो, मैंने जो भी आप कहने का वो अच्छा काम, जिसमें बेहतरी हो, अच्छा काम हो, उसमें पॉजिटिविटी हो, एग्जैक्टली. ये ना हो कि आप ऐसी कोई ऑप्शन ले लो जो फिर आप कहेंगे यार तो नहीं करना तो चाहिए था, फिर यू नो यू डोंट रिग्रेट दैट. ऐसे तो एक्टिंग का भी ऐसी है कि अगर हुआ तो डेफिनेटली कर लूंगी, अच्छी कोई चीज हुई. राइट, अच्छा, अब तो जो है एक ट्रेंड भी चेंज हो रहा है थोड़ा सा, ये उर्तुगल गाजी जो ड्रामा आया है जी, जो तुर्किश में दिरलिस उर्तुगल है, तो इस ड्रामे ने भी ट्रेंड चेंज किया कि भाई मूवी होने का मतलब ये नहीं है कि गाने ही हों उसके अंदर, डांस नंबर्स ही हों उसके अंदर, बल्कि आप एक इस तरह की स्टोरी से, मतलब एक ऐसा मैसेज आप कन्वे कर सकते हैं. और देखिए ना कि दुनिया का सबसे कामयाब तरीन ड्रामा सीरियल है ये, और इसमें ना कोई सॉन्ग है ना वो दूसरी चीजें जो हम एक कन्वेंशनल मूवीज में देखते आए हैं, तो वो नहीं है. तो मेरे ख्याल ही अब ट्रेंड चेंज होगा, पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स बनेंगे. जैसे एक और ड्रामा था, आई रिमेम्बर टर्किश ड्रामा था वो, थोड़ा फेमस हुआ था पाकिस्तान में, ममनून करके था, इश्क ममनून ऐसा वो था, और उस टाइम में टर्की भी गई थी मैं ममनून हुसैन बोलने वाला था, पता आप. नहीं, वो मुझे याद है मैं टर्की भी गई थी उस टाइम पे जब ये ड्रामा रिलीज हुआ था. मैं पाकिस्तान आई थी, पाकिस्तान से हम टर्की गए थे, काफी सारे मीडिया के दोस्त कुछ थे और कुछ वैसे वेकेशन के लिए, तो मुझे याद है वहां से मुझे कहते थे वही हुरम जो थी ना लड़की जो उसकी हीरोइन थी, फिर उससे नहीं मिलती, और पाकिस्तान में बहुत लोग कहते थे मुझे, मैं सोच रही थी उस टाइम हिस्टोरिकली करना चाहिए इसका मतलब, मुझे कोई ड्रामा जो हिस्ट्री के ऊपर बनाया हो. आप लग रही हैं तुर्किश. हां, आप तुर्किश लग रही हैं. मुझे काफी मिडिल ईस्टर्न बना लोग समझते हैं वैसे, पाकिस्तानी.
वो ऐसा तो नहीं होता आपके साथ कि वो उर्दू में बात करने लगते हो फिर आप समझ जाती हो, फिर हैरान होते हो कि अच्छा उर्दू आती है ना? बिल्कुल ऐसा होता है बहुत दफा मुझे, मतलब मैं यहाँ पर भी किसी रेस्टोरेंट में जब मैं बैठी हूँ तो काफी मुझे औरतें देखती रहती, समझती है कि मैं तो अरबिक होंगी या पाकिस्तान रेस्टोरेंट में बैठी हूँ तो डिफरेंस अलग रहा होता है। और जब मैं कोई में दुबई वगैरह में बैठी हुई थी, दोस्त मेरे बहुत अरबिक है, मुझे अरबी आती भी है थोड़ी बहुत, तो वो मुझे कहते थे उर्दू नहीं बोला करो, यू शुड स्पीक अरबिक, बिकॉज तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम पाकिस्तान से। मैं कहता तो वहाँ रहने के लिए प्लस पॉइंट है कि थोड़ा सा वो रेसिज्म वगैरह कुछ नहीं होता, फिर आप लैंग्वेज आते यू नो राइट। या बट आप सही कह रहे हैं, पाकिस्तान में भी डिफरेंस आना चाहिए इन चीज़ों में। जो पाकिस्तानी ड्रामे मैंने कभी नहीं देखे वैसे इतने जितने मैं अभी कोविड में देख रही हूँ, क्योंकि कुछ करने को इतना नहीं है तो वो पाकिस्तानी ड्रामे देख रहे हैं। जो अभी वहाँ लॉकडाउन भी चल रहा है, आई थिंक कैनेडा ये हमारा लॉकडाउन चल रहा है, तो हमारी चीज़ें वैसे ही शट डाउन हुई हुई हैं अभी, आई थिंक 2 वीक्स और हो रहे हैं इंक्रीज कर दिया लॉकडाउन, तो मैं उसमें ही पाकिस्तानी ड्रामे देख रही हूँ। और मोस्टली कुछ कम ड्रामे, आपका कौन सा फेवरेट ड्रामा चल रहा है वो भी शेयर कर दें हमारे साथ। मैंने आज फितरत का फाइनल एपिसोड देखा है अभी आपके यहाँ ऑनलाइन, अभी रिकॉर्डिंग से पहले फितरत असद जब्बल का जो ड्रामा आ रहा था, तो असद को तो मैंने खुद ही फोन करके बड़ी मुबारकबाद दी थी अपनी तरफ से प्राइवेटली कि यार तुमने बहुत अच्छा ड्रामा बनाया है, बिकॉज के इट्स अ गुड वन। बट मुझे बड़ा अफसोस हुआ उसके मरने पे, होते कि जो थी क्या नाम था उसका जो विलन हीरोइन थी, वो विलन थी वो, लेकिन मुझे अफसोस भी हुआ उसके जाने पर बेचारे के, एंड में आज वो उसको उसका मर्डर हो जाता है। सेकेंडली मुझे पसंद आ रहा है जी नुमान एजाज के ड्रामे आ रहे हैं अभी, जो स्टार्ट हुआ है जिसमें सानिया सईद है, बड़ा अच्छा ड्रामा है स्टार्ट हुआ है सानिया सईद का, नुमान एजाज का पहली नहीं, मैं भी आउट ऑफ टच हूं रीसेंट ड्रामों से। नहीं कुछ मैंने अभी जैसे भी होता है यूट्यूब पे लगा दूं, ये खत्म होता है खुद ही नया स्टार्ट हो जाता है, तो मैं रूम में कुछ कर रही हूं तो मैं तो देयर गो थ्रू के अच्छा अभी ये भी कुछ शुरू है तो कुछ इंटरेस्टिंग लगता है, थोड़ा मैं उसको देख लेती हूं कि क्या चल रहा है आजकल पाक इंडस्ट्री में। इस तरह के जो ड्रामे हैं, लेकिन प्रेम गली इज फनी, आई लाइक कुछ लाइट मूड वाले ड्रामे होने चाहिए। मुझे फरहान सईद वैसे ही पसंद है उनकी सिंगिंग और सारा कुछ पर्सनैलिटी वाइज, तो ये ड्रामा उनका इज फन, इट्स लाइट फन, लाइक अब बोर हो रहे हैं तो चलो थोड़ी कॉमेडी है। लेकिन पाकिस्तान के सारे ड्रामे लव स्टोरी है, हर ड्रामे के अंदर लव स्टोरीज है, लव स्टोरी है, और वो जो है ना वो अजीब सी लव स्टोरी है, वो उसमें मतलब खुशियां नहीं है उसमें, हाँ कुछ मसले मसाइल चल रहे हैं बस, ये लव स्टोरी है। हाँ। तो बड़े समटाइम्स फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, क्योंकि क्या होता है कि ठीक है ड्रामे वाले ये कह रहे होते हैं कि ठीक है वी आर मेकिंग, जो लोग देखना चाहते हैं हम वही चीज बना रहे हैं, या जो माशरे में हो रहा है वही चीज बना रहे हैं, बट ऑन द अदर हैंड जिन घरों में नहीं हो रहा वहां पर इन ड्रामों का असर भी पड़ रहा है, इन ड्रामों की वजह से फिर वो इन्फ्लुएंस पड़ रहा है। तो आई थिंक इस मीडियम को पॉजिटिवली यूज किया जाए तो बेहतर होगा, लेकिन टीआरपी भी कोई चीज है, वो भी चाहिए ना, कमर्शियल हर चीज है, हर चीज के कमर्शियल है, कमर्शियल हो गई है, तो ऑफ कोर्स अब लोग ये सोचेंगे कि ये सोचेंगे कि घरों में क्या हो रहा है, इस तरह तो बोले आता था ना उसमें भी क्या हो रहा होता था, पता ही नहीं होता था किसकी माँ किसकी किसकी शादी हो गई, किसका बच्चा कौन है, बिकॉज तो कॉम्प्लिकेशन, बट लोग देखते थे, अब पाकिस्तान में भी देखते थे, हर कोई जानते शो, या फिर जो मियामी वाइज शोज हैं और पता नहीं काफी कुछ ऐसे शोज होते थे। लेकिन हमारे यहाँ ठीक है कल्चर वाइज वी शुड थिंक अबाउट इट टू गिव गुड लेसन, बट अगेन वही के बिजनेस तो है। आई थिंक ये जो व्यूअर्स हैं, जो पब्लिक है, उसको भी मुझे लगता है कि इंटेलिजेंट होना पड़ेगा कि उसने क्या चीज चलानी है, क्या चीज देखनी है उसको थोड़ा सा, मतलब क्योंकि बेसिक तो आपको पता है ना कि, और आप इतना आपके अंदर अवेयरनेस या शऊर है कि वॉच समथिंग दैट गिव्स यू अ पॉजिटिव मैसेज, जो आपकी लाइफ में पॉजिटिव वैल्यू ऐड करे। जिस तरह आप किताबों से सीखते हैं वैसे आप मूवीज से भी सीखते हैं, आप ड्रामों से भी सीखते हैं, तो वो उनके अंदर कोई ऐसी बात होनी चाहिए। हर वक्त का रोना धोना मुझे भी इतना कोई खास अच्छा नहीं लगता, तो अभी थोड़ा इस बारे में बताइए कि आप पाकिस्तान कब आ रही हैं, आपका क्या प्लान है पाकिस्तान आने का, और फिर पाकिस्तान में कुछ और लाइनअप भी हुआ हुआ है कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के हवाले से कोई बात? जी हाँ, पाकिस्तान में इंशाल्लाह बेसिकली तो आने वाली थी नेक्स्ट वीक,
लेकिन मैंने एक दो हफ्ते डिले किया बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन. आई डोंट वांट टू गेट स्टक ओवर देयर. या पता चला कुछ और ही कुछ सिचुएशन चेंज हो जाए. तो होपफुली लॉकडाउन विल फिनिश सून. ऑब्वियसली अभी सिचुएशन इस तरह की है तो या तो अभी मैं एग्जैक्ट डेट नहीं कर सकती बट विल बी सून इंशाल्लाह 2-3 वीक्स में आई विल बी देयर. चीजें लाइनअप में है काफी कुछ क्लोथिंग वाइज भी है और कुछ ऑनलाइन बिजनेस के बारे में भी है. कोई टीवी के बारे में भी है जो आप कुछ एक्टिंग की बात कर रहे थे उस तरह से कुछ चीज़ भी है. कुछ चीज़ें हैं जो अब मैं आके डिसाइड करूँगी कि किसको किस तरह से क्या करना है. एंड लेट्स सी हाउ इट गोज. आई एम एक्साइटेड एज ऑलवेज. पाकिस्तान का ट्रेवल पाकिस्तान सो इट्स फन टू बी देयर फैमिली एंड एवरीथिंग. राइट. अच्छा अमरीत, आपका जो है हमें म्यूजिक सेंस तो थोड़ा सा हमें आइडिया हुआ कि आपको सूफी सॉन्ग्स आपको पसंद है, लेकिन अभी जो वो गाना आने वाला है उसके अलावा अभी तक जितने गाने आ चुके हैं उसमें आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है जो आप सुनना पसंद करती हैं? ऑल टाइम फेवरेट सारे सिंगर्स में पाकिस्तानी सिंगर्स के कह रहे हैं. हाँ तमाम ऑल ओवर मतलब इंडिया से हो पाकिस्तान से हो हॉलीवुड से हो नो प्रॉब्लम. देखिए सॉन्ग्स मैं वैसे जो हूँ ना आई लव सॉन्ग्स. मुझे हर तरह का जैज पसंद है मुझे हिप हॉप मेरे मूड पे डिपेंड करता है कि मेरा मूड किस किस्म का है. लेकिन जब सूफीज़म इस तरह से है ना कि जब वो सूफी समथिंग डिफरेंट यू कैन नॉट रिलेट सूफी विद अदर कैटेगरीज तो वो इसकी फीलिंग अलग होती है. थोड़ा स्पिरिचुअल कनेक्ट आ जाता है. हाँ स्पिरिचुअलिटी होती है थोड़ी आपकी पता आपकी सोल की वाली बात होती है ना स्पिरिचुअलिटी होती है तो. लेकिन सॉन्ग्स कुछ पसंद करती हूँ. सिंगर्स में आते वस्तर मुझे पसंद है. उसके सॉन्ग ऐसे हैं जो मैं कभी भी लगा लूँ. इफ आई डोंट नो व्हाट टू प्ले आई जस्ट पुट आते बस ना मुझे पता है बोर नहीं होंगी. उनके सारे सॉन्ग अच्छे हैं. सो या इन पाकिस्तान में तो आई लाइक मतलब आफ्टर जुनैद जमशेद एंड आफ्टर दैट टाइम के जुनैद के होते थे या जुनून होता था उनके कुछ जो सुने हमने सॉन्ग फेमस दिल पाकिस्तान सबको पता है. जुनून के भी एक दो सॉन्ग मुझे पता है. लेकिन अब आजकल तो आतिफ असलम इज द बेस्ट. फरहान सईद का मुझे सॉन्ग पसंद है जो उसने रिमिक्स किया था. कौन सा सॉन्ग है शराब पीना सिखा दिया. आई डोंट नो व्हाट यू से इन द फर्स्ट लाइन में पता नहीं कौन शराब पीना सिखा दिया या हां उसका रीमेक किया था. एंड दैट सॉन्ग आई लाइक. हिज वॉइस इज नाइस. उनकी आवाज अच्छी है. सो या दैट्स इट. ओके तो आपको जो आपका जो म्यूजिक सेंस है वो थोड़ा सा मेलोडियस ज्यादा है जो आपने बताया क्योंकि आतिफ भी थोड़े से जो है वो ऐसे ही गाने गाते हैं जो आपको कनेक्ट करते हैं कि आतिफ की आवाज में तो कुछ ऐसा टच है जो आपको इंटरनली कनेक्ट कर जाता है. फरहान सईद भी बहुत अच्छी मेलोडीज वगैरह जो है वो उसके लिए जाने जाते हैं. तो यहाँ से अचानक आप हिप हॉप भी सुनने लगती हैं. अच्छा हिप हॉप समझ में आ जाता है बहुत कम लोगों की समझ आते हैं. नहीं देखे वो ये होता था म्यूजिक एंजॉय कर म्यूजिक कभी मूड तक नहीं कभी की सोच. अभी मुझे कभी ये भी होता कभी सैड होती हूं कहते हैं आश्मी खा लेते हैं. जस्ट यू नो सम टाइम यू जस्ट नीड योरसेल्फ टू हेल्प यू आउट कुछ करने के लिए थोड़ा मूड चेंज करने के लिए. अब मैं कभी मुझे होता है डिप्रेशन हो कहते हैं यार आइसक्रीम ले लेते जाके तो एटलीस्ट यू फील कुछ थोड़ी एक्साइटमेंट आ जाएगी आइसक्रीम से जैसे लगता है. इसी तरह कभी मैं बोर हो रही हूँ या मुझे लगता बहुत मेलेडियस हो गई लाइफ बहुत ही स्लो. आजकल तो पता है कि कितना लिमिटेड अपने घर में भाई यहाँ तो लॉकडाउन है स्टे होम ऑर्डर्स हैं तो उसमें मतलब इतना ही वो जाते करते हैं आज कहते हैं चलो अब मैं खाना बना रही हूँ या आज मैं नहीं करना चलो हिप हॉप ही लगा देते हैं टेक्नो लगा लेते हैं थोड़ी सी एक्टिविटी हो जाएगी यू नो जस्ट टू चेंज द मूड. दैट्स नॉट माय फर्स्ट चॉइस ऑफ कोर्स. या राइट. ओके एंड व्हाट अबाउट मूवीज आप सेंसिटिव हैं रोज आती है मूवी देखते हुए? हाँ भाई मैं बता तो रही हूँ ये जो विलन अभी जो मर्डर हो गया फितरत में मुझे तो रोना लग गया था. विलन को मरते हुए देख के रोना लग गया था मुझे. तो मेरी सेंसिटिविटी का पाइडी लग सकता कि मैं रो जाती हूँ मैं आराम से कोई मुश्किल नहीं. राइट. तो आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है फिल्म की अगर बात करें रिसेंटली? है वो मुश्किल सवाल है. इंग्लिश इंडियन मूवीज बहुत कम देखती हूँ. बाजीराव मस्तानी इज माय फेवरेट. मुझे ऐसी पसंद है जो जरा डिफरेंट किस्म की होती है थोड़ी सेंसिटिव होती है.
मैं इंडियन मूवीज बहुत कम देखती हूँ, तो जब फेमस हो जाते हैं तो मुझे लोग रिकमेंड करते हैं ये वाली देख लेना, तो मैं वो देखती हूँ. राइट राइट. अच्छा तो मूवीज एंड म्यूजिक, ये इस पर तो हमारी बात हो गई, आपके जो ब्रांड है उसके बारे में भी बात हो गई. मुझे थोड़ा सा ये इंफॉर्मेशन और दे दीजिए कि आपका ब्रांड पाकिस्तानी खवातीन लेना चाहें वो कहाँ से लें और कैसे लें. ओके अमरीन, सो इट वॉज रियली नाइस टॉकिंग टू यू, और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. हम चाहेंगे कि फिर आपके साथ एक सेशन करें और इस दफ़ा सेशन लाइव करें, और ताकि जो है और हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी इस कन्वर्सेशन में शामिल हो सकें. जब आपका म्यूजिक वीडियो आने वाला होगा तो हम इंशाल्लाह ताला आपके साथ एक लाइव सेशन ज़रूर करेंगे. आप जाने से पहले अपना कोई लास्ट मैसेज हमारे व्यूअर्स को देना चाहें तो आप दे दीजिए. द स्क्रीन इज योर्स नाउ. ओके तो वेट. क्वेश्चन क्या लास्ट बता, क्या पूछ रहे हैं आप, लास्ट क्वेश्चन क्या है. ओके Okay, first of all, thank you very much for having me, and it was such a good interview. I'm looking forward for the song. बात करते हैं डिटेल के साथ सॉन्ग के बारे में. और मैसेज मेरा सबके लिए क्या जो मैसेज देना चाहिए, देयर सो मेनी मैसेजेस. आई वुड से के ऑलवेज वर्क हार्ड, एंड जो करना चाहते हैं आप बस लगे रहें और उसको मांगते रहें. जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर अगर आप ट्रस्ट करते हैं, जो चीज़ मांगते हैं वो आपको इवेंचुअली मिल ही जाती है. Keep asking for it, और all the best. मेरी तरफ से मैं जाती हूँ, और thank you very much. Thank you so much, अमरीन अज़र. इस इंटरव्यू में आज आप हमारे साथ थी, और जितना मज़ा हम लोगों को आया उतना ही हमारे व्यूअर्स को भी ज़रूर आया होगा. अगर आया है तो कमेंट कर बताइए, और नहीं आया है तब भी अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए, कोई मसला नहीं है, बस थोड़ा अच्छा अच्छा ही बोलिएगा, बाकी सब खैर है. आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और फिर एक और नए गेस्ट के साथ आपके साथ हाजिर होंगे, उनसे बातचीत करेंगे और आपको उनके बारे में कुछ जानकारी देंगे. जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.